हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति 2024 में कब मनाई जाएगी, महापुण्य काल का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक महादान के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, शास्त्रों में मकर संक्रांति को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने पर सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन दान, तप, जप का विशेष महत्व है। सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे पवित्र नदी में स्नान, भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित करना, दान या दक्षिणा देना, व्रत अनुष्ठान और व्रत का पारण मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में करना शुभ होता है। दोस्तों, मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं, साथ ही सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आम तौर पर यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। दोस्तों, मकर संक्रांति 2024 में 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पुण्य काल का समय होगा 15 जनवरी की सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक। मकर संक्रांति महापुण्य काल का समय होगा 15 जनवरी सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक। मकर संक्रांति क्षण का समय होगा 15 जनवरी की सुबह 2:54। अब जान लेते हैं मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ और दान करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह ही स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने के बाद कई चीजों का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। दोस्तों, मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन विशेषकर तिल का दान करने की परंपरा है। काले तिल और तिल से बनी हुई चीजों का दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। दोस्तों, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए तिल का दान करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु भी तिल का दान करने से प्रसन्न होते हैं। आज के दिन तिल का दान महादान माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा खिचड़ी, गुड़, नमक, घी और तेल का दान करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।